हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स एंड क्रेमर रूल्स। ओके, क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल जो है ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स का बेसिक देख लेते हैं। आई गेस 10 तक कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को डिटरमिनेंट्स का बेसिक होता है, बट फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे जिन बच्चों को नहीं हुआ है बेसिक्स। ठीक है, डिटरमिनेंट्स यानी नंबर्स का अरेंजमेंट है, जैसे दिस इज अ डिटरमिनेंट। ओके, और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इसमें टू रोज एंड टू कॉलम्स है, समझे? तो हमारे स्टडी में, फिजिक्स में जो मैथमेटिकल पार्ट आता है उसमें सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है। कुछ जगह पे हमको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता है, उसका भी मैं टेक्निक बता दूंगा। सो हाउ डू यू सॉल्व थर्ड सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट? वेरी सिंपल, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज रूल। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए डी, फिर लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बी सी। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब इससे सिंपल क्या है, बस रूल याद रखना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म एंड दिस टर्म, फोर्थ टर्म एंड देन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक, इसका एक एग्जांपल क्या है, बहुत सा सिंपल एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। इसका एग्जांपल है, लेट अस से 2, 4, 6, -7। ठीक है, या फिर इसको भी माइनस ले लेते, 2, -4। तो इसको सॉल्व करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, विच इज 2 × -7, फिर माइनस लगाना है, माइनस लगाना कंपल्सरी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × -4, तो इट इज -14, माइनस माइनस प्लस, 6 × 4 = 24, सो आंसर इज 10। दैट्स इट। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस शीट में दिए हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें सॉल्व करना। ठीक है, नाउ हाउ डू यू सॉल्व थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट? थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है, सपोज दिस इज a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, दिस इज द गिवन डिटरमिनेंट। नंबर्स अरेंज है, ऐसे नंबर्स हैं, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसमें तीन कॉलम्स हैं, थ्री कॉलम्स एंड थ्री रोज। ठीक है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए वेरी सिंपल। ओके, सबसे पहला स्टेप है, ये हटा देता हूं, ओके, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग A1 लिखेंगे, फर्स्ट हम ये कॉर्नर का टर्म, अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये वाला रो छोड़ दिया, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, हमारे पास में चार नंबर बचे, A5, A6, A8, A9। ओके, ये नंबर लिया हम लोगों ने A1, तो वो वाला रो और वो वाला कॉलम छोड़ दो, तो चार नंबर बच गए, A5, A6, A8, A9, उनको डिटरमिनेंट में हम लोगों ने अरेंज कर लिया, A5, A6, A8, A9, समझे? ये चार नंबर्स को हम लोगों ने डिटरमिनेंट में अरेंज किया। देन माइनस, ऑलवेज इट इज माइनस A2। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, यानी A1, A2, A3 छोड़ देना है, A2, A5, A8 छोड़ देना है, चार नंबर्स बच गए, A4, A6, A7, A9, इनका डिटरमिनेंट्स बना लेंगे, A4, A6, A7, A9, वेरी सिंपल। देन ये तीसरा वाला नंबर लेंगे, A3 प्लस A3, ये प्लस है, सिर्फ बीच का टर्म निगेटिव आते, अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो चार नंबर्स बच गए, A4, A5, A7, A8, A4, A5, A7, A8, क्लियर? इनको सॉल्व करना बड़ा आसान है, दिस माइनस दिस, यानी A1 ब्रैकेट में A5, A9 माइनस A8, A6 माइनस A2, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, A4, A9
माइनस ए सिक्स ए सेवन प्लस ए थ्री, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ए फोर ए एट माइनस ए फाइव ए सेवन, वेरी सिंपल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लूंगा, यानी तुमको सॉल्व करने में बड़ा आसान हो जाएगा, ओके समझ जाएगा, पूरा कंसेप्ट ही समझ जाएगा। लेट अस से इट इज वन माइनस वन माइनस सॉरी वन वन टू टू माइनस थ्री फोर थ्री माइनस वन टू, सपोज दिस इज डिटर्मिनेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला ये नंबर लेंगे वन, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, नंबर्स कितने बचे, माइनस थ्री फोर माइनस वन टू माइनस थ्री फोर माइनस वन टू, फिर माइनस, अब ये वाला नंबर लेंगे वन, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, नंबर बचे टू फोर थ्री टू माइनस वन टू फोर थ्री टू, फिर लेंगे टू प्लस टू, अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, नंबर्स क्या बचे टू माइनस थ्री थ्री माइनस वन टू माइनस थ्री थ्री माइनस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे वन, इसको सॉल्व किया कितना आएगा, माइनस थ्री इंटू टू विच इज माइनस सिक्स माइनस, फिर माइनस लगाना है, ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर माइनस वन, ये कितना है टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, फोर माइनस थ्री इंटू फोर टू बाई टू का डिटर्मिनेंट है हमने अभी पढ़ा, प्लस टू ये कितना आएगा माइनस टू माइनस माइनस टू आएगा ना, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस लगाना जरूरी है, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे वन, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू माइनस वन, फोर माइनस ट्वेल्व माइनस एट प्लस टू, माइनस टू प्लस नाइन सेवन, कितना है ये माइनस टू प्लस एट प्लस फोर्टीन, कितना हो गया माइनस टू प्लस एट सिक्स प्लस फोर्टीन ट्वेंटी, सो आंसर इज ट्वेंटी, इस डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाता है ट्वेंटी, ओके समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो दिस वॉज अबाउट थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अगेन इसके भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं, ओके गूगल ड्राइव के लिंक में दिए हैं, आपने वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन टू क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल समझने से पहले टू बाई टू डिटर्मिनेंट समझ सॉल्व करना सीख गए हम लोग, ओके। क्रेमर्स रूल क्या है, क्रेमर्स रूल इज यूज टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके हमारे सिलेबस में टू वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, हम लोग क्रेमर्स रूल यूज करके टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके स्टेप्स है, टेक्निक्स है, ध्यान में रखो। सपोज हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, एंड दूसरा लीनियर इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, वेरी सिंपल, ये सॉल्व करना है और हमको एक्स और वाई के वैल्यूज निकालना है बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल के हिसाब से सबसे पहले एक डी डिटर्मिनेंट बनाना है, डी डिटर्मिनेंट कैसा रहेगा, टू बाई टू का डिटर्मिनेंट रहेगा जिसमें हम लोग एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, एक्स वाई के कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, देखो इस तरीके से ए वन बी वन ए टू बी टू, समझ गए, फिर हम लोग डी एक्स डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डी एक्स वाले डिटर्मिनेंट में ध्यान से सुनना, यहां पे डी एक्स वाले डिटर्मिनेंट में हम लोग जो एक्स के कोएफिशिएंट है यानी ए वन ए टू इनको रिप्लेस कर देंगे सी वन सी टू से, यानी यहां पे आ जाएगा ए वन ए टू के बजाय सी वन सी टू बी वन बी टू, ऐसा का वैसे ही रहेगा। वापस रिपीट करूंगा, dx डिटरमिनेंट कैसे बनाया हम लोगों ने, हमने क्या किया यहां पे जो x के कोएफिशिएंट्स थे क्योंकि dx बनाना है तो x के कोएफिशिएंट रिप्लेस करके c1 c2 रख दिए, b1 b2 ऐसे ही रखा। सिमिलरली y का डिटरमिनेंट जब बनाएंगे तो हम a1 a2 वैसे ही रखेंगे, जो y के कोएफिशिएंट्स है b1 b2 उनको रिप्लेस कर देंगे c1 c2,
और बस सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन है x का dx अपॉन d और y का है dy अपॉन d। ठीक है, अब तुम सोच रहे होंगे कि सर कैसे सॉल्व करना है, मैं इसका एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा दूं सो दैट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एग्जांपल जो ले रहे हैं हम लोग वो है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये हमको सॉल्व करना है, हमको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगेन सॉल्यूशन, सबसे पहले d डिटरमिनेंट बनाएंगे, d में हम लोग क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 6 5 कितना आएगा इसका आंसर 4 5 20 माइनस कितना है माइनस 18 विच इज इक्वल टू 38। समझ आ गया सबको dx dx में क्या करेंगे हम लोग, x के कोएफिशिएंट्स जो है यानी 4 6 जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 11 और 7 से, बाकी माइनस 3 और 5 ऐसे के ऐसा रहेगा। तो क्या बन गया यहां पे 11 5 जा 55 माइनस कितना आ गया ये माइनस 21 यानी कितना हो गया ये 76। ठीक है, डी वाई में हम लोग क्या करते x के कोएफिशिएंट वैसे के वैसे ही रखते 4 और 6 लेकिन y के जो कोएफिशिएंट है माइनस 3 5 इसको रिप्लेस करेंगे 11 7 से। ये समझ के लेना है स्टेप पे। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लो, ये समझ लो, ये सॉल्व करने से पहले समझ लो, स्टेप समझ लो, लिख के रख लो, फिर तुमको समझने में आसानी होगी। सॉल्व करेंगे इसको 28 माइनस कितना आ गया 66 कितना आएगा 66 माइनस 28 38। ठीक है, सभी ने नोट डाउन किया हुआ है ये। फिर x की वैल्यू कितनी आएगी dx अपॉन d मतलब 76 अपॉन 38 विच इज 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी dy अपॉन d मतलब माइनस 38 अपॉन 38 विच इज इक्वल टू माइनस 2। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। कितना आसान, तो ये एक सॉल्व करो, ओके वापस से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके वापस सॉल्व करके देखो अपने लेवल पे, ओके और इसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करने में। सो दिस वाज अबाउट डिटरमिनेंट्स एंड क्रेमर्स रूल, दैट्स इट।